हेलो एवरीवन, लेर्थ एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सब आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इसी वजह से हम आपके लिए डेली वीडियो लेके आ रहे हैं। और आज का वीडियो आपके सामने है जो आपकी ग्रुप फोर की एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इसमें हम मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको साथ में कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ग्रुप फोर की प्रैक्टिस करना है ग्रुप फोर की एग्ज़ाम के लिए और उसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आपके नंबर रहेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम रेट पर मात्र 100 रुपये में आपको ग्रुप फोर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं इतने ज़्यादा लेंदी लेवल के कभी नहीं आते हैं या नहीं कभी टफ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, सिंपल से मतलब कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यू ब्लैंक लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि तुमको फायर एग्जिट के सामने तुम्हारी जो गाड़ी है वो खड़ी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, चाहिए। तो चाहिए के केस में हम यहाँ पे लगाएंगे मस्ट नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा, यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हो, तो यहाँ पर सकने का केस नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ, वो भी नहीं है। यहाँ पर न तो तुमको गाड़ी खड़ी करनी चाहिए और न ही मेरे को गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फायर एग्जिट है। फायर एग्जिट का मतलब होता है यहाँ से आग निकलती रहती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारी जगह बाजार में सेव वगैरह बनती रहती है तो वहाँ पर आग का भट्टा लगा हुआ रहता है, तो उसके सामने गाड़ी खड़ी करने से हमको लोग क्या बोलते हैं, यहाँ नहीं खड़ी करनी चाहिए भाई साहब, आपको यहाँ पर आपकी गाड़ी में जो है आग लग सकती है। तो यहाँ पर सेंस कैसा आ रहा है, चाहिए। तो इस केस में हम लगाएंगे यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लगाएंगे मस्ट नॉट या फिर शुड नॉट। अब चूंकि यहाँ पे मस्ट नॉट है इसलिए मैंने मस्ट नॉट लगा दिया। बाकी के तीनों ऑप्शन चाहिए सेंस दे रहे हैं जो कि यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है कि यू ब्लैंक नॉट सीट हियर तो यहाँ पर जरूर कैन लगेगा कि यू कैन नॉट सीट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, हाँ मैं बैठ सकता हूँ, तो ऐसे केस में लगेगा कैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आई स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वॉज यंगर। अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था। ठीक है, यंगर का मतलब होता है छोटा। अधिकतर लोग समझते हैं कि यंगर का मतलब जवान होता है, तो मैं आपको बता दूँ यंगर का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो जब मैं छोटा था उस समय, पास्ट की बात कर रहे, तो उस समय मैं तैर सकता था। अब तैरना जो है वो यहाँ पर क्या है, एक एबिलिटी है, और एबिलिटी को शो करने के लिए हम जनरली कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर पास्ट फॉर्म दी हुई है वॉज, इसलिए हम इसको देखते हुए, पास्ट फॉर्म को देखते हुए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। ठीक है, तो इसका जवाब होगा आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। यू लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेंस कैसा आ रहा है वो आपको देखना है। लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स, तुम्हारे जो बूढ़े माता पिता है उनकी तुमको सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए सेंस आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ओट टू। तो यू ओट टू लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर शुड होता तो मैं शुड भी लगा देता, यू शुड लुक आफ्टर, यू मस्ट लुक आफ्टर, यू ओट टू, तीनों एक जैसा मीनिंग देते हैं, लेकिन इनमें कुछ मेजर सा डिफरेंस होता है, तो जब मैं मॉडल चैप्टर करवाऊँगा तब मैं इनमें डिफरेंस आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए आठवां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए। अ नंबर ऑफ टीम्स इज टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, नो एरर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको देखना है, ये देखिए क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ टीम्स लिखा है। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ का कंसेप्ट होता है कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन जो लेंगे ना वो हम प्लूरल लेंगे। नाउन कैसा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल। लेकिन अगर यहाँ पे अ की जगह द नंबर ऑफ होता है तो नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो चूंकि यहाँ पे लिखा है अ नंबर ऑफ इसलिए नाउन प्लूरल है, बराबर है, और वर्ब इसने सिंगुलर ले ली जिसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल। तो आप बस ये याद रखिए, यहाँ पर हम एक भी क्वेश्चन को हिंदी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए दसवां क्वेश्चन आपके सामने। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। तो यहाँ पर देखिए
प्राइम मिनिस्टर के पहले द लग रहा है और चीफ मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट के पहले भी द लग रहा है। इससे ये पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर अलग आदमी है और प्रेसिडेंट अलग है, और दो लोग हो गए तो इस हिसाब से आर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें आपका आ जाएगा नो एरर। अभी अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि ये द नहीं होता, यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे एक ही पर्सन होता और ऐसे केस में आर को रिप्लेस करते इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ही डजेंट स्पेंड्स मच टाइम विथ हिज फैमिली बिकॉज हिज करियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर देखिए डज नॉट लिखा है, ठीक है। तो डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट, इन तीनों के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्पेंड्स के प्लेस पे स्पेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 12वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स अराइजेज इफ़ द पेरेंट्स अप्रोच टू डिसिप्लिन्स इन इनकन्सिस्टेंस नो एरर, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है। चलिए मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रॉब्लम्स इज़ अ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के बाद में जो वर्ब लेते हैं वो हमेशा प्लूरल लेते हैं, और वर्ब तब प्लूरल बनती है जब उसमें एस नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ से एस को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो अराइजेस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अराइज, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ आई हैड नोटिस्ड हर आई वुड हैव ग्रीटेड हर। सो हियर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉसिबल कंडीशन, यहाँ पर इम्पॉसिबल कंडीशन का स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है कि देखिए, बिल्कुल हिंदी नहीं करेंगे हम, इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। इफ़ जो होता है इसके बाद में अगर हेड थर्ड फॉर्म होता है, हेड नोटिस्ड, तो ऐसे केस में दूसरी तरफ होता है वुड हैव थर्ड फॉर्म, जो कि इस क्वेश्चन में बराबर है। अगर थोड़ा कुछ मिस्टेक होता तो हम क्वेश्चन में एरर बताते, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। इफ़ के बाद जब भी कभी हेड थर्ड फॉर्म आएगा तो दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म जरूर आएगा, तो इस सेंटेंस में आपका आ जाएगा नो एरर, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखिए अगला। अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं वॉइस का, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो क्या करना है, ठीक है। बाय होम वॉज द विंडो ब्रोकन, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये रिवर्स क्वेश्चन है, मतलब आपको पैसिव से जाना है एक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे वॉज है और ब्रोकन है, तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म किस केस में आती है, पैसिव केस में, तो इसका मतलब मेरे को बनाना है एक्टिव। तो सबसे पहले तो बाय होम को मैं रिवर्स करूँगा हु, अब देखा जाए तो हु चारों जगह हैं। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि वॉज थर्ड फॉर्म के एक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो वो थर्ड फॉर्म की एक्टिव फॉर्म होती है सेकेंड फॉर्म, मतलब अब मेरे को सेकेंड फॉर्म ढूंढना है। और मैं फटाक से देखिए यहाँ पे देखता हूँ, ब्रेक्स गलत, हैज़ ब्रोकन गलत, हेड ब्रोकन गलत, और फाइनली मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी, ब्रॉक, गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये तो हो गया। ये देखिए पढ़िए, जेन रिक्वेस्टेड मैरी टू ब्रिंग नोटबुक्स फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी, ठीक है। अब ब्रिंग नोटबुक्स, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे एडजेक्टिव, ये देखिए एडजेक्टिव। अब यहाँ पे लिखा है चूँकि नोटबुक्स जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो इसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके पहले मुझे लगाना पड़ेगा अ फ्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अ फ्यू, और अ फ्यू क्यों, क्योंकि एक तो ये काउंटेबल है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ की बात हो रही है, तो इसे केस में हम अ फ्यू। अच्छा, फ्यू कब लगाते हैं, जब नो की बात होती है, नॉन, ठीक है। और द फ्यू कब लगाते हैं, जब ऐसा मीनिंग आता है कि जितना है सब कुछ, जितना है सब कुछ। अच्छा, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए फ्यू, जिसमें आपको फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल लिटिल द लिटिल समझना हो, और अगर आपको समझना हो तो आप इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो अगर 50 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तब जाके मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड इजीली करवा दूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को पढ़ना है या फिर आपको आता है, ठीक है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप लोगों को पढ़ना है, और मैं इसका वीडियो कल ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल सम एनी मच मैनी ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द लोकल फुटबॉल टीम इज़ डूइंग बेटर, ठीक है। अब इसमें लिटिल सम अ लिटिल द लिटिल, तो यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा अ लिटिल बेटर। वो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा करा, कुछ मीनिंग आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा या जितना भी था सब उन्होंने कर लिया, ऐसा भी नहीं है। सम हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये हम लगाते हैं अनकाउंटेबल और जो दिखता हो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आएगा, अ लिटिल। चलिए तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और एक आध के और क्वेश्चन हम देख लेते हैं अच्छा सा। ये देखिए 28, पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है और मेरे को बताइए कि इसका जवाब क्या होगा।
चलिए मैं बताता हूँ, ये बोल रहा है यू ब्लैंक लाफ एट द मिस्टेक्स ऑफ अदर, तुमको दूसरे की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए, तो चाहिए सेंस आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लगा हुआ यू कैन नॉट लाफ एट द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का बिल्कुल अच्छा साथ बना हुआ है, और अभी आपके पास में 10 से 20 दिन का और समय है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश हिंदी जीके, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो साइड में है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके और लाइक करके बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।